नमस्कार, मैं लता तोमर। आज कहानी किचन की मैं एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी। मटर का सीजन जाने वाला है और जब हम अब मटर लेके आते हैं तो मटर कुछ इस टाइप की आती है, सूखी सूखी मटर आती है, ऐसी रहती है। तो हम सोचते हैं इसका क्या करें, तो या तो छोले बना सकते हैं हम, और या फिर एक ट्रिक बताती हूँ, इसे भून के खाते हैं। और गाँव में लोग इसे क्या खेत में ही भूनते हैं, वहीं खाते हैं, और हम इसे गैस पर भूनेंगे और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप चाहे इसे नमक के साथ खाइए या मिर्ची के अचार के साथ खाइए। और बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो बताती हूँ मैं अभी। इसके लिए हमने गैस जला ली है और इस पर हम कोई भी चलनी, जो आपकी ख़राब चलनी पड़ी हो, वो रख सकते हैं इस टाइप से। और अभी बिल्कुल धीमी कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो हमने मटर लिए हैं सूखे सूखे, थोड़े ग्रीन हैं, बाकी का सूख चुके हैं, इनको सेट कर देंगे इस पर, इनको सेट कर देंगे इस पर। हमने सारी मटर सेट कर दी हैं और अब हम क्या करेंगे, गैस फुल कर देंगे। ये बहुत अच्छे से भुन जाएगी, बीच बीच में थोड़ा धीमी भी कर देंगे गैस हम, क्योंकि ये तेज चलती है, बहुत तेज चलती है ये गैस। और एक बार मटर को पलट देंगे जैसी भुन जाएगी, अभी ये भुनी नहीं है क्योंकि ये ग्रीन है ऐसे तो। और अब हम इसे पलट देते हैं, एक साइड से भुन चुकी है, सारी पलट देंगे और जो नई भुनी है उनको थोड़ा बीच में कर देंगे हम, और थोड़ी तेज गैस कर लेते हैं। और एक बार आप जरूर ट्राई करके देखें, बहुत टेस्टी लगती है ये मटर खाने में। इसी टाइप से हम सारी मटर सेक लेंगे और बीच बीच में धीमी गैस करते जाएंगे। और ये मटर भुन चुके हैं, ये जले नहीं है, बाहर से लग रहे हैं कि जल गए हैं, अंदर से बिल्कुल अच्छे मटर होंगे। और इसी तरह हम सारे मटर भून लेंगे। आपको पसंद आती है या आपने पहले कभी खाई है, गांव में खाई है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। इस मटर को गांव में भून के खाते हैं खेतों में। और ये हमारी मटर भुन गई है, मैं आपको एक छील के बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छी भुनी है, अंदर से गर्म है अभी, ये स्टेप से भुन जाती है। और आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाइए, या आप नमक डाल के खाइए, या आप एक मट्ठे की मिर्ची बनती है छाछ वाली, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे खाओ, और एक एक छील के खाओगे गरम गरम तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।